एक दिन दो दोस्त आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। अरे भाई, क्या तूने खाना बनाया यार? अरे ऐसे खाना तो एक औरत भी नहीं बना सकती। अरे क्या लाजवाब खाना था यार, मन कर रहा था उंगलियां चाट लो। अरे हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन क्या तुमको पता है, जो तुम होटल में खाना खाते हो ना, वहाँ पर ज्यादातर मर्द ही खाना बनाते हैं। अरे तुम भूल गए क्या, मर्द किसी से कम थोरू नहीं है। बात करते हो तुम भी। अरे हाँ दोस्त, ये तो मैं भूल ही गया था। हाँ, मैंने जहाँ भी देखा है आदमी ही खाना बनाते हैं। अरे अरे हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। अब चुड़ैल जब दोस्त वाली बातें सुनती है तो वह तुरंत हड़बड़ा कर घर पर आ जाती है और बोलती है, अरे तुम लोग दोस्त बन रहे हो, बड़ा दोस्ताना निभा रहे हो ना, शायद तुम लोग को पता नहीं मैं कौन हूँ। अरे तुमने ही तो मेरे पति और उनके दोस्त को मारा था, जिसके कारण आज मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ी हूँ। तो बताओ तुम्हारे साथ क्या किया जाए, मुझे लगता है तुमको कच्चा ही चबा लेना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, मैं तुम दोनों को कच्चा ही चबाऊंगी। इतना कह के चुड़ैल उन दोनों को कच्चा ही चबाकर खा डालती है। फिर वह रूपा बनके गांव में एक घर में रहने लगी और जैसे ही शाम होता वह फिर से दूसरे को मारने के लिए चली जाती। ऐसे ही वह धीरे धीरे करके गांव के सारे लोग को मारने लगी और उसका पेट भी भरने लगा। फिर वह घर में जाकर रूपा बनके आराम करती। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे गांव में ये हत्या कैसे हो रही है। एक दिन एक आदमी अपने रास्ते से जा रहा था और उसको वह चुड़ैल पकड़कर उसके अंग को खा ली और उसके अंग को काट पीट कर इधर उधर फेंक कर चली गई। और जब सुबह होता है तो लोग देखने आते हैं तो उस आदमी का अंग इधर उधर फेंका होता है और सभी यह देखकर घबरा जाते हैं। और जिस आदमी ने इस औरत के पत्नी और दोस्त को मारा था उसके चमचे उसके पास दौड़ते हुए हाँपते हुए जाते हैं और बोलते हैं, अरे साहब, अब हम लोग के ना ही लगत बाकी हम लोग बच जा पाए। वो चुड़ैलिया ना हम लोग को ढूंढ लिया साहब, अब आप कुछ रास्ता दिखाई साहब, हमने आपका साथ दिया था, अब आप भी साथ दीजिए साहब, नहीं तो हम लोग का मरना नीचे है साहब। क्या बात करते हो, यह मेरा खुद लगा हुआ है कि कैसे बच जाए। अरे तुमको कैसे मैं बचा दूं? अरे जाओ भागो यहाँ से। इतना कह के उन दोनों को वहाँ से भगा देता है और खुद बचने के लिए एक तांत्रिक बाबा के पास जाता है। अरे बाबा, हमारा रक्षा कीजिए बाबा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत हूँ बाबा, एक चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई है बाबा, वो मुझे मारेगी तभी यहाँ से जाएगी बाबा, बचा लीजिए बाबा। तांत्रिक बाबा आंखें मूंद के बैठे हुए थे, अपनी आंखें खोलते हैं और बोलते हैं, देखो बातें ऐसी हैं, तुम अभी घर जाओ, मैं कल जो है गांव में आऊंगा और बताऊंगा कि इस चुड़ैल को करना क्या है, तब तक तुम घर जाओ, और कोई रास्ता नहीं है। वह आदमी इतना सब सुन के घर पे चला जाता है और अगले दिन तांत्रिक बाबा गांव में आते हैं, सारे गाँव वाले को बुलाते हैं और बोलते हैं, अरे सुनो गाँव वाले, देखो ये जो गंदा तुम देख रहे हो ना, उस चुड़ैल के पति और दोस्त को मारा था, जिसके कारण वह गांव में आकर इस तरीके से आतंक मचा रही है। अगर तुम लोग को बचना है तो इसको या तो मारो, या तो चुड़ैल को बुलाकर इसको मरवाओ, या तो उससे माफ़ी वगैरह मांगो ताकि तुम लोग को क्षमा कर दे। तब वे तांत्रिक बाबा उस चुड़ैल को बुलाते हैं और बोलते हैं, बेटी देखो, मैं तुम्हारा पूरा प्रॉब्लम समझ रहा हूँ, तुम ही बताओ अब करना क्या है। उसके बोलने के पहले ही सभी गांव वाले और वह आदमी उससे माफ़ी मांगने लगते हैं और यह सब देखकर उसकी आंखें भर आई और वह सबको माफ़ कर दी और वहां से बिना कुछ कहे चली जाती है। और इसी प्रकार सभी गांव वाले अपना जीवन खुशी खुशी जीने लगते हैं।